करुर्भस्त कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण वंदन। जहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राज का आचार्य चतुर्दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माताएं पिताएं सभी के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारी बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम लोग यहाँ श्री क्या किसको घर है शशिकला आनंद मोहिनी इनके घर में आज हमें हरि कथा और भगवत कथा करने के लिए हमें आज सुजग मिला है। भागवत में श्री सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कहते हे सौनकादि ऋषियों कहते आयुर्हरति वैपुंसान उद्दन अस्तंज जनसौ तस्रिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये श्लोक में बताया कहते जो सूरज को देख रहे हो ये सूरज नहीं कदि साक्षात काल है। हम सोच रहे हैं ओ आज हमारा एक दिन बीत गया है नहीं तो आज हमारे कितना उम्र है हमें 30 साल के हम है गए नहीं तो कोई बोलते हम 20 साल के हो गए हैं हम 40 साल के हो गए हमारा दाढ़ी वैसे थोड़ी पक गया है कोई बोलते हैं लेकिन श्री सुत गोस्वामी कहते हैं तुम 30 साल के नहीं हो गए 40 साल के नहीं हो गए 20 साल के नहीं हो गए तुम 20 साल मर चुके हो 30 साल तो मर गया है 40 साल तो मर गया है ये अभिमान मत कर इतना साल की हो गया। कहते ये काल रूपी सूरज ये पूर्व दिशा में उदय हो करके जब ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं कहते ये काल चक्र जिस चक्र को कोई नहीं रोक सकते हैं हाँ कहते ये काल चक्र हमारे सारे परमाई को क्षण क्षण करके सब काट रहा है। लेकिन ये सुत गोस्वामी कहते हैं लेकिन किसकी परमाई को ये काल नष्ट कर नहीं पाता है किसका समय को वो बर्बाद नहीं कर पाए कहते तस्रिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितने समय हम हरि कथा प्रभु का कीर्तन में प्रभु का भजन में जितने समय हमने लगाया समझो उतना समय आपका बच गया
और इसको छोड़ करके और जितने सारे समय को आप इधर उधर बिताया है, समझो तुम्हारे सारे परमायु नष्ट हो गया है। काल रूपी चक्र सारे समय को नष्ट कर दिया है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, कहते हे अर्जुन, नह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सल्पमपस धर्मस्य त्रायते महद भया। हम जो समय को इधर उधर बिताते हैं वो तो गया, सब समय बर्बाद हो गया। अगर प्रभु के लिए अगर हम थोड़ी सी समय लगा दिया, कहते सल्पम मपस्य धर्मस्य, प्रभु के लिए अगर हम थोड़ी सी कर दिया, कहते उसका फल क्या है, कहते त्रायते महत भया, कहते महान भय, मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर से समझो आप निकल जाओगे। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहते एक समय प्रभु का भजन में समय लगा तो उसका कितना महत्व है। कहते एक समय की बात, कोई एक फेरी वाला था, फेरी वाला समझते हो, सिर पर टोकरी लेकर के, हाँ, इसमें बर्तन खिलौना तरह तरह का सामान को सिर पर लेकर गांव गांव में जो घूमते हैं बेचते हैं, उसको फेरी वाला कहते हैं। एक समय वो फेरी वाला अपना गांव से ये सामान को बेचते बेचते बड़े दूर तक चला गया। अभी देखा आज घर में वापस आना बहुत ही कठिन है, सोचा आज इसी गांव में आज रात को मैं रुक जाऊं। तो गांव में पूछा, यहाँ पर कहीं रुकने का व्यवस्था है कहीं? कहते हाँ, यहाँ पर एक भागवत भवन है जहां पर रोज कीर्तन सत्संग होता, आप वहीं रुक सकते हो। दिन भर बेचारा काम करते करते थक गया था, अभी वो सोने ही जा रहा था, लेकिन वो गांव में कुछ नियम था, शाम को सब लोग एकत्रित होकर के थोड़ी सी कीर्तन करते थे। जब वो सोने के लिए जा रहा था, देखा सबके सब आकर के कीर्तन करने लग गए। जब सबके सब कीर्तन करे, वो सोए कैसे, मजबूर में बैठना पड़ा। इतने में देखा एक संत आ गए और वे भागवत कथा करना शुरू किया। बोचा ये कहां से आपत्ति आ गया, विपत्ति आ गया, मेरे को नींद आ रही है, ये बाबा कथा शुरू कर दिए। अब इसका मन में इच्छा नहीं कथा सुनने के लिए, उसने क्या किया, वो दीवार में ऐसे सहारा दे करके आधा सोए और आधा जगते हुए कथा सुना। और कौन सा भाव से, देखा टाइम किस तरह से पास करनी चाहिए, ये कथा सुनने तो से पेट भरेगा नहीं, ये बेकार समय अपना बर्बाद करना। ठीक है, जब सब बैठी करके कथा सुन रहे तो सुनी लो। उन्होंने एक घंटा ऐसे ही कथा सुनी, कथा समाप्त हो गया, सबके सब चले गए, उसने रात को सो गया। कुछ दिन बाद में उसको मृत्यु हुई, मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर अभी जमदूत आए और उसको पकड़ करके सीधा उसको ले गए जमपुरी में। जम महाराज के पास में, अभी जम महाराज ने बोले चित्रगुप्त, हाँ इसका कॉपी खोलो, ये दिन कितना पुण्य और कितना पाप किया है, इसका कॉपी खोलो। तो उन्होंने कॉपी खोले, आप लोग बोलोगे ये सब झूठ बात है, कहां कोई जमपुरी फमपुर कुछ है नहीं, कहते ऐसी बात नहीं, ये भागवत में आप इसको पढ़ो आपको पता चलेगा। ऐसे बहुत सारी घटना होती है जिनको जमपुर ले जाते हैं वहां से वापस आते हैं, फिर भूल से अगर किसी को ले गए तो। इसलिए बोले इसको काफी खोलो, काफी खोले, काफी खोले तो बोले महाराज ये तो जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, बल्कि सामान को बेचने के लिए झूठ बेईमानी करके अपना सामान को बेचा, लेकिन जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। बोले ठीक ठीक से देखो, थोड़ी बहुत तो पुण्य होता होगा ही। तो उन्होंने कापी खोलते बोले, बोले हाँ महाराज, इसका थोड़ी सी पुण्य है। बोले क्या पुण्य है, कहते ये काम करते करते किसी गांव में पहुंचा था, वो गांव में जब वो सोने जा रहा था वहां पर एक साधु ने कुछ कथा सुनाया, और ये मजबूरी में एक घंटा बैठ करके आधा सोए आधा जगते हुए, और ये कथा की तो कोई फल है नहीं, ठीक है टाइम पास करना, ये कथा सुन करके इसी भाव से कथा सुनाई, श्रद्धा भक्ति से इसने कथा नहीं सुनी।
जब महाराज ने देखा अगर भक्ति पूर्वक कथा सुनता तो इसका विशेष फल मिलता, लेकिन ये तो टाइम पास, हाँ टाइम पास करना इसी भाव से सुना। बोले ठीक है कि काम करो, इसको इसके लिए एक घंटा स्वर्ग मिलेगा, एक घंटा कथा सुना है, एक घंटा उसको स्वर्ग मिलेगा, इतना हो सकता है। यम महाराज पूछे, ये बताओ तुम एक घंटा तेरा स्वर्ग है उसके बाद में नरक है, बताओ ये दोनों में तुम क्या लोगे पहले? बोले जब नरक जाना ही है, स्वर्ग मैंने सुना बहुत अच्छा स्थान है, कहते मुझे एक घंटा स्वर्ग ही भोगा लो, एक घंटा देख आता हूँ। बोले जाओ इसको एक घंटा स्वर्ग भोगा ले आओ। किसी दूत को भेज दिया, अभी उसको लेकर स्वर्ग में ले गए। वहां पर जो दरवान थे बोले ये हमारा आसामी है, केवल एक घंटा इसको स्वर्ग भोगना, भोगा करके हमको वापस दे देना। अभी उसको जब स्वर्ग में पहुंचाए, वहां पर तो अथाह ऐश्वर्य है, वहां पर तो कोई बूढ़ा बूढ़ी होते ही नहीं, अमृत पान करते हैं, सुधर्मा सभा, पर्याप्त पुष्प वहां पर। अब अभी वहां पर सोचा एक घंटा बाद में तो मेरे को जाना ही नरक, एक घंटा में मैं देख लेता हूँ ये स्वर्ग में क्या किया है। तो वो घूमते घामते जिस दिशा में कोई नहीं जाते हैं वो उधर गया देखने के लिए, इधर किया है उधर। कद श्री जब ये इंद्र का जो छोटा भैया उपेंद्र, मतलब श्री बामन देव, बामन देव हुए थे ना कदी, इंद्र का भाई उपेंद्र, ये बामन देव कद एक कोने में जो कोई नहीं जाते वहां पर भगवान बामन देव, और वहां पर देखा चतुसन बैठे हुए और वहां पर भागवत कथा कर रहे हैं, और वहां पर सब कुछ हाँ कुछ भक्त लोग बैठ करके वहां भागवत कथा सुन रहे हैं। जब वहां पर पहुंचा हठात उसको याद आया, अरे ये चित्रगुप्त तो बोल रहा था मैंने ये काम करते करते कहीं पहुंचा था, एक घंटा मैंने कथा सुना था तो एक घंटा का फल हमें ये स्वर्ग मिला है, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ यहाँ भी भागवत कथा हो रही है, अगर यहाँ पर और एक घंटा बैठ जाऊंगा ना तो फिर मेरे को दो घंटा स्वर्ग हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वो स्वर्ग भोगने के लिए नहीं गया, वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया कि देखता हूँ यहाँ पर कथा सुनने पर कुछ फल मिलता कि नहीं। अभी वो कथा सुनने लगा, जब एक घंटा खत्म हो गया, जो जमदूत उसको ले गए थे बोले स्वर्ग का जो ये थे चौकीदार, बोले भैया हमारा आसामी को फेर दो, एक घंटा हो गया। अभी वो ढूंढने के लिए गया, वो गया कहाँ, वो ढूंढते ढूंढते देखा वो तो बैठा हुआ सत्संग में, भगवत कथा में वो बैठा हुआ है। कल भगवान का कथा में जो बैठते हैं भगवत कथा में नहीं, साक्षात भगवान का गोद में बैठते हैं, ये सत्संग नहीं, ये साक्षात भगवान का गोद, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरी कथा करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ, इसलिए ये सत्संग नहीं, समझो साक्षात भगवान की आप गोद में बैठे हुए हो। अगर इसी समय किसकी मृत्यु आ जाए, जब तक आप ये सत्संग से नहीं उठते हो तब तक जमदूतों का हिम्मत नहीं यहाँ पर किसी को पकड़ ले आकर के, क्योंकि एक बार उनको पिटाई खाना पड़ा था, हाँ नारायण, हाँ अजामिल धोखे से नारायण बोल दिया तो वो लेने के लिए आए तो मार खाना पड़ा था, इसलिए सत्संग देख करके जमदूत बहुत डरते हैं, इसलिए इतने महत्व है। अभी उसने देखा यहाँ एक घंटा हो गया लेकिन कोई लेने नहीं आ रहा है, वो समझ गया ये सत्संग का कुछ प्रभाव पड़ रहे, बोला यहाँ से उठना नहीं, क्योंकि यहाँ से उठते ही हाँ कभी यहाँ से उठते ही हम ले जाएंगे पकड़ करके, इसलिए यहाँ से हमें नहीं उठना है। वो तो एकदम अच्छे तरह से जंप करके बैठ गया, कभी यहाँ से एकदम नहीं उठनी। फिर देखा दो घंटा हो गया लेकिन उसको कोई लेने नहीं आ रहा है, फिर जो जम का जो दूत थे बोले भैया ये दो घंटा हो गया है इसलिए हमारा आसामी को दो। बोले देखो वो एक घंटा उसको स्वर्ग भोगने का था लेकिन वो स्वर्ग नहीं भोगा, वो तो सीधा सत्संग में बैठा हुआ है, भगवत कथा में बैठा हुआ है, हम उसको कैसे ला सकते हैं।
जहाँ भगवान की कथा वहाँ साक्षात भगवान है, हम उसको कैसे ला सकते हैं? हम ला नहीं सकते उस पे। हाँ, अभी उन्होंने 4 घंटा तक बैठे, लेकिन वो तो वहां से उठा ही नहीं, वहां से उसको पता है नरक ले जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा की एक फल है, कहते क्या फल है? तो भागवत ने बताया भगवत कथा की ये फल है। हाँ, कहते खियते चस्य कर्माणि अखिलामयी आत्मनि, इसका श्लोक है संत एवास छिंदन्ति मन व्यास संग उक्तिभिः। भगवत कथा की यह फल है जो भगवत कथा श्रवण करे, भगवान कानों को माध्यम में हृदय में जाते हैं और हृदय में जाकर के कहते सुरही दिशता, तो उसको उदाहरण दिया भगवान कर्ण को जैसे कथा श्रवण कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कान को द्वारा प्रभु हृदय में जाते हैं, तो हृदय में जाकर क्या करते हैं? तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे आपका घर में आपका बहुत कोई अच्छा दोस्त आ गया, कोई अच्छा दोस्त आ गया, अभी देखेगा कहाँ बैठूं, देखा यहाँ पर आसन है, वो देखेगा वहां पर थोड़ा मैला जमा हुआ, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो ये नहीं देखेगा मेरा दोस्त तो पहले साफ कर उसको पास में बैठे, वो क्या करेगा? स्वयं रुमाल ले करके साफ कर देगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर किसी अनजान का घर में जाओ फिर सोचेगा भैया पहले साफ करे मेरे को बैठने के लिए, बोले तभी तो बैठू, लेकिन आपका तो अत्यंत अत्यंत प्यारा दोस्त है, वो अपना घर ही मानता है, इसलिए स्वयं उसको साफ करके वो आसन पर बैठ जाएगा। तब ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसी तरह भगवान का जो कथा सुनते हैं भगवान उनको सबसे अच्छा दोस्त बन जाते हैं। इसलिए भगवान ये कान को माध्यम से अंदर में जाते हैं, अंदर में जा करके अगर अंदर में हृदय में अगर कोई महिला है, काम क्रोध लोभ मोह अगर कोई महिला है, भगवान उसको स्वयं साफ कर देते हैं, साफ करके भगवान आसन बना करके उसके हृदय में प्रभु बैठ जाते हैं। अभी वही पर कथा सुनते सुनते उसका हृदय निर्मल हो गया और वही से वैकुंठ से उसके लिए रथ आया और रथ में सीधा बैठी करके भगवत धाम में चला गया। देखो अनजान में अश्रद्धाल में अगर कोई सत्संग एक घंटा सुन लिया हरि कथा, उसका इतना फल है। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक सुने तो, कोई श्रद्धा पूर्वक भगवत कथा सुने तो प्रभु से क्या नहीं देंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी इसलिए पुतना वध में यही बात को उन्होंने बताई, कृष्ण कितने दयालु हुए, कृष्ण कितने कृपालु हुए, उनके लिए थोड़ी सी करो प्रभु उसके लिए कितना करते हैं, प्रभु इसके लिए कितना करते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए साधु लोग हम नहीं सुनने पर भी, हाँ साधु लोग जोर जबरदस्ती हमारा घर में आकर के हमारा दरवाजा में आकर के जोर जबरदस्ती कथा सुनाते हैं। इसलिए भक्त लोग क्यों घर घर में जाते हैं? इसलिए जब श्री गर्गाचार्य नंद बाबा को घर में आए तब नंद बाबा ये बात को बोलते हैं, कहते महत विचरणाम निरिणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते कोचित। नंद बाबा कहते हे गर्गाचार्य, कहते संत लोगों को हम जैसे गृहस्थी को घर में आने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो लोग क्यों आते हैं? कहते महत स्वभाव ए तारिते पामर, कहते महत लोगों का ये स्वभाव है पामरों को उधार करने के लिए, दुष्टों को उधार करने के लिए वो जान बूझ करके हमारा घर घर में आते हैं और हमें भगवत कथा सुनाते हैं। गुरु जी एक बार कथा सुना रहे थे, एक समय गुरु जी कथा सुना रहे थे, कहते कोई एक साधु वो कुछ भिक्षा करने जाता था, लेकिन एक बुढ़िया थी बड़ी कंजूसी बड़ी कृपण है, वो एक पैसा भी देने नहीं चाहती थी, और वो जो बाबा वहां पर पहुंचते ही वो साधु को देखते ही गाली देने लग जाती थी। हाँ एक दिन ऐसे हुआ, एकदम सवेरे सवेरे वो बाबा संत पहुंच गए वो बुढ़िया के घर में। उसी समय वो बुढ़िया गोबर और मिट्टी, पहले तो सीमेंट वीमेंट कुछ था नहीं, वो गोबर और मिट्टी से, हाँ नियम है गोबर मिट्टी से घर को पोतते हैं, उसे निर्मल उसको पवित्र माना जाता है गोबर मिट्टी, तो गोबर मिट्टी से घर को पोत रही थी।
इतने में देखा वो साधु आ गया, क्या तेरे को शर्म नहीं लगता है? तू सवेरे सवेरे आ गया, काम करके खा नहीं सकते हो, ले भिक्षा मांगने के लिए आई। उसने क्या किया, वो गोबर मिट्टी में लगा हुआ जो कपड़ा था ना, वो कपड़े को साधु गोबर में मारा। वो साधु गोबर मारते ही, लेकिन वो तो साधु था, बड़े दयालु था, बोले ये तो कुछ भी देना नहीं चाहता था, आज तक कम से कम कुछ दे दिया, कम से कम कुछ दे दिया। वो साधु ने क्या किया, वो मिट्टी गोबर का जो कपड़ा था उसको ले करके नदी में अच्छे तरह से मल मल करके धोए, हाँ मल मल करके धोए, धो करके वो कपड़े को उन्होंने सुखाया, सुखा करके उसको फाड़ करके उन्होंने बत्ती बनाया, बत्ती समझते हो ना, और उसमें घी में डाल भिगोया, और घी में भिगोया करके शाम को उन्होंने ठाकुर जी का आरती दिखाया। लेकिन वो कपड़े किसकी है, देखो संत लोग कितने दयालु होते हैं, वो कपड़े किसकी है, वो बुढ़िया की, और उसको घी में उन्होंने लगा करके जब ठाकुर को बत्ती दिखाया तो बुढ़िया की कपड़ा ठाकुर का सेवा में लग गया ना। संत हमारा कितना कल्याण करते हैं, वो ठाकुर का सेवा में लग गया, जब वो ठाकुर को सेवा में लगा अभी वो जो बुढ़िया थी उसका हृदय अपने आप बदल गई, अपने आप उसको हृदय बदल गई, और वो अपने आप सोच रही है कि आज मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मेरे घर में कहां संत आए कुछ लेने के लिए, लेकिन मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, बल्कि मिट्टी और गोबर की कपड़े को उसको ऊपर मैंने फेंका, बड़ा अपराध किया, कल से जब वो बाबा आएंगे मैं चरण पकड़ करके माफी मांगूंगी और जरूर कुछ संतों की सेवा करूंगी। बाबा दूसरे दिन आए, जब दूसरे दिन आए ना उनको चरण में गिरा, माफी मांगा, हाँ, और बाबा को कुछ सेवा में दिया है। इसलिए कहते भक्त लोग जो आते हैं क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं हमारा कुछ वस्तुओं को लेकर के वो ठाकुर को सेवा में लगाएंगे, गुरु वैष्णव को भगवान को सेवा में लगाएंगे, ठाकुर को सेवा में लगाने पर हमारे कुछ सुकृति बनेगी, वो सुकृति बनने पर फिर तो हमको हरिनाम में रुचि आएगी, प्रभु का भजन में भी रुचि आएगी, प्रभु को भक्ति में भी रुचि आएगी। जब तक हम सेवा नहीं करते हैं तब तक हमें मेवा नहीं मिलेगी। इसलिए जब हम जब सूर्य कुंड में जाते हैं ना ब्रजमंडल परिक्रमा में, जब कुछ भक्त लोग भजन करने के लिए आए, भजन करने के लिए आए तो सीधा माला लेकर बैठ गए नाम जप करने के लिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा दिन भर माला जप करने पर काम नहीं चलेगा, जाओ वहां पर पहले संतों का सेवा करो, बैगन का पेड़ लगाओ, मिर्च का पेड़ लगाओ, साग सब्जी लगाओ, वो कुछ ठाकुर को सेवा में भक्तों को सेवा में लगेगा, सुकृति होगी, फिर भजन में रुचि होगी। माला लेकर बैठ गए क्या माला करोगे, अभी तो घर छोड़ कर आए, अभी माला लेकर बैठोगे तो अपना दुनियादारी बीवी बच्चा का याद करोगे, इसमें नाम अपराध होगा। इसलिए जाओ साधु संतों की ठाकुर की सेवा करो। इसलिए भगवान की सेवा करते करते, साधु संतों की ठाकुर को सेवा करते करते फिर तो नाम करनी चाहिए, तो उससे सुकृति बनती है। इसलिए नियम है, इसलिए संतों का क्यों हम देते हैं, साधु लोग आने पर हम दक्षिणा क्यों देते हैं, कम से कम ये लोग कुछ ले करके ठाकुर को सेवा में लगाए और हमारा सुकृति बने। अगर खुद कमाया खुद खाए फिर तुम्हारा सुकृति कहाँ से बनेगी, अगर हम खुद कमा कर खुद खा भी रहे साधु संत का कोई सेवा नहीं करते फिर हमारा सुकृति कहाँ से बनेगी, और सुकृति नहीं होने पर भजन में रुचि कहाँ से आएगी। इसलिए नियम है भक्तों की ठाकुरों की कुछ सेवा करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम आपका सत्संग की कथा सुना दिया, हाँ यहाँ बोले 9 बजे खत्म कर देने के लिए, क्योंकि पास में इन लोगों का डिस्टर्ब होता है, इन लोगों का डिस्टर्ब होता है, 9 बजे खत्म कर देंगे, ठीक है, केवल और 15 मिनट बाकी, मैं तो बहुत कुछ सुनाना चाहता था, इसलिए 15 मिनट में कुछ और कथा सुन लेते। अभी जो कथा हम थोड़ी सी सुनने जा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण कथा है, जिस कथा को प्रह्लाद महाराज ने राक्षस बच्चों को जिस उपदेश दिया है, कहते वो उपदेश में इतने महत्वपूर्ण कथा, इतने बलवान कथा था, जो दैत्य बालक, जो दैत्यों का जो बालक थे
कहते प्रहलाद की वह कथा सुन करके दैत्यों का हृदय, बालकों का हृदय भी बदल गया। एक प्रहलाद था और उस क्लास में जितने बच्चे पढ़ते थे सबके सब प्रहलाद हो गए, सबके सब प्रहलाद के साथ में हरि कीर्तन करने लगे, सबके सब प्रभु का भक्ति करने लगे। समझो ये उपदेश इतने महत्वपूर्ण उपदेश है। कहते ये उपदेश को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया, जिनकी कृपा है आज हम यहाँ पर विदेश में रहते हुए भी थोड़ी बहुत जो प्रभु का भजन कीर्तन प्रभु का भक्ति करते हैं, ये उन्हीं की ही कृपा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की ही कृपा है थोड़ी बहुत जो कर रहे हैं। कहते उन्होंने यह विषय को, यह सब्जेक्ट को कहते 108 बार उन्होंने कथा की, 108 बार उन्होंने प्रवचन किया ये कथा को। मतलब ये कथा इतने महत्वपूर्ण, इतने बलवान कथा था। इसलिए हमारे पास में 15 मिनट है, 15 मिनट में थोड़ी सुन लेते हरे कृष्ण। जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसने सारे चेष्टा लगा दी, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बंका नहीं कर पाए। कल कारण क्या है तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले गोविंद परिरंभितम। कारण यह था स्वयं भगवान जिसको आलिंगन करके बैठे हुए थे, जैसे एक मैया अपना बच्चों को गोद में लेकर के आलिंगन करके बैठती है, उसको दूध पिलाती है। कहते उसी तरह प्रहलाद महाराज भगवत स्मरण करने का नाते, भगवत शरणागत होने का नाते भगवान उसको गोद में लेकर के बैठे हुए थे। इसलिए जितने सारे दैत्यों ने अत्याचार उसको ऊपर में किया, किसको ऊपर में लगा? प्रहलाद को ऊपर में थोड़ी सी भी नहीं लगा, क्योंकि ये भगवान की गोद में बैठा हुआ था, प्रभु उसको ऐसे करके बैठे हुए थे। इसलिए सारे चोट सारे आघात ये भगवान के ऊपर में लगा। अभी प्रश्न होता है क्या भगवान के ऊपर लगा? भगवान मुझे त्रिशूल मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे, क्या भगवान के ऊपर में चोट लगा है? कहते नहीं, भगवान अनंत है, भगवान असीम है, भगवान अव्यक्त है। हाँ, भगवान को कोई जड़ वस्तु नहीं जो कि भगवान के ऊपर में ये अस्त्र शस्त्र लग जाएगी। भगवान अपराकृत है, हाँ, जगत में रहते हुए भी वो कहीं नहीं है। इसलिए प्रभु को ऊपर नहीं लगा। इसका मतलब है अगर हम भगवत स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे, प्रहलाद महाराज जैसे ऐसे शरणागत अगर हो जाएंगे, भगवान एक दिन हमें भी अपना गोद में बैठा करके भगवान एक दिन हमें भी रखा करेंगे। जब किसी तरह से वो कुछ नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप आश्चर्य बन गया। कहते आश्चर्य बात है, मैं विश्व ब्रह्मांड को जय किया। कहते हिरण्यकश्यप इतने बलवान था, उस संपूर्ण देश को उन्होंने अपना हाथ का मुट्ठी में वशीभूत किया और स्वर्ग में इंद्र को वहां से भगा दिया और इंद्र राजत्व को भी उन्होंने दखल कर लिया और यहां तक भी कहते वो बैकुंठ तक भी गया था, बैकुंठ तक भी गया प्रभु के पास में। कहते वो प्रभु है कहां जिसने मेरे भैया को मारे? लेकिन भगवान ने क्या किया, जब बैकुंठ में गए भगवान आकर इसको हृदय में बैठ गया। हृदय में जब बैठ गए वहां पर देखा भगवान का आसन खाली, बोले भगवान भी मर गए। भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान कोई है तो मैं ही भगवान। बैकुंठ में गया तो प्रभु को देखा ही नहीं, वो मर गए सब। हाँ, अभी जब किसी तरह से कुछ नहीं हुआ, अभी वो आश्चर्य हो रहे हैं, इतना छोटा सा बालक, केवल 5 साल का बालक, मेरे डर से सारा दुनिया कांप रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी इसके अंदर में नहीं, कुछ भी उसको। मतलब यहाँ पर दिखाया जो भगवत चरण में शरणागत है विश्व में किसको भी वो नहीं डरते हैं। हाँ, किससे उसको कोई डर भय नहीं लगता। जब किसी तरह से कुछ नहीं हुआ उसको संधा अमर ने बताए बोले आप इतना चिंता मत करो, अभी ये बालक है, 5 साल का बालक है। अभी शुक्राचार्य वो बाहर गए हुए, जब वे आएंगे वो समझा बुझा करके उसको सही कर देंगे, इसलिए आप इतना चिंता मत करो। फिर उन्होंने स्कूल में भेज दिया, जाओ स्कूल में जाकर के पढ़ो। जब स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए गए, अभी तो पढ़ रहे थे, इतने में बीच में खेल छुट्टी होता है ना, बच्चों को खेलने के लिए छुट्टी होता है बीच में,
अभी टीचर लोग भी अपना घर में भोजन करने के लिए गए और बच्चों को बोले तुम लोग जाओ खेलो। जब बच्चे लोग खेलने के लिए जा रहे थे, इतने में प्रहलाद ने देखा, कहते छोटे छोटे बालक है, इनका हृदय अभी कोरा है, हृदय एकदम पवित्र है, कोई हृदय में मैला नहीं। और ये सबके सब प्रहलाद को, जैसे मॉनिटर होता है ना क्लास की, ये प्रहलाद को सबके सब विश्वास करते हैं। प्रहलाद महाराज ने देखा ये मुझे विश्वास भी करते हैं, छोटे छोटे बालक है, हृदय पवित्र है, अगर इनको कुछ मैं उपदेश दूंगा तो ये जरूर ग्रहण करेंगे। इसलिए प्रहलाद बच्चों के ऊपर में कृपा करके बोले बच्चों आओ आज हम एक नया खेल खेलेंगे। अगर बच्चों को बोले नया खेल खेलने के लिए तो खुश हो जाएंगे। हाँ प्रहलाद नया खेल क्या है, तो आप मेरे साथ में बैठो। बैठ करके मजरा और मृदंग लिया, मतलब थोड़ी सी हम भगवान की कीर्तन करें। तो उन्होंने बैठ करके थोड़ी सी उन्होंने भगवान की कीर्तन किया है। जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भजन करनी चाहिए। बच्चों ये जीवन बड़े कीमती जीवन है। जैसे इसी जगत में अगर किसी व्यक्ति को भजन करने के लिए बोलो, अगर थोड़ी सी कम उम्र हो ना, बोले तो अभी से भजन करेंगे, ये कोई भजन का उम्र है? ये कोई भजन का उम्र है? अभी तो लिखेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, शादीशुदा करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, उनको लालन पालन करेंगे। जब बुढ़ा हो जाएंगे, किसी काम का नहीं रहेंगे, रिटायर लाइफ होगा, एक दो माला कर ही लेंगे। अभी कहीं भजन का समय है? साधारण लोगों का यही कथन है। देखो ये प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो उन्होंने बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतानि दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थदम। ये बड़ा इसी श्लोक को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े लंबे चौड़े व्याख्या करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते भगवान का भजन बचपन से होता है, बुढ़ापा में नहीं। कहते जो लोग बोलते हैं बुढ़ापा में भजन करेंगे, उनका भजन भजन कुछ नहीं होता है। सारे एनर्जी तो संसार में दे दिया, हाँ सारे एनर्जी संसार में दे दिया, तब रहा क्या तुम्हारा पास में प्रभु को दोगे? जब पुष्प एकदम खिला हुआ रहता है, फ्रेश होता है, उसको ठाकुर को चरण में अर्पण किया जाता है। फूल जब मुरझा जाए उसको चरण में दिया जाता है? नहीं। कहते सरकार हमें रिटायर्ड क्यों करता है? जब जब देखते हैं ये किसी काम का नहीं रह गया, कोई काम का नहीं, ये बेकार हो गया, तब सरकार उसको रिटायर कर देते हैं। देखा ये 8 घंटा बैठ कर नौकरी नहीं कर सकता है, तब उसको सरकार उसको रिटायर कर देते, कहते बेकार घर में जाओ। कहते जब तुम साधारण नौकरी से तुम रिटायर हो गए हो, सबसे जो दुर्लभ भगवान का भक्ति है उसमें कैसे लगोगे? हाँ इसलिए प्रहलाद ने कहा हे बच्चों,
कौमार आचार्य थे प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब कभी जो बुद्धिमान है, हाँ, जो चतुर है, जो अपना को बड़े समझते हैं, हाँ, बड़े समझदार है, हाँ, बड़े बुद्धिमान है। कहते बुद्धिमान का बुद्धिमानता कहाँ है? उसको बुद्धिमान का बुद्धिमानता वही है जब भगवान का भजन करोगे, जब समय को संसार में लगाओगे। कहते ये बुद्धिमान का बुद्धिमानता नहीं है। कहते क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर संसार के लिए आप मर जाओगे, अगर अपना सिर भी काट करके संसार के लिए दे दोगे, संसार की किसी व्यक्ति को आप खुश कर सकते हो? संसार में प्रहलाद कहते किसको खुश कर सकते हो? जगत में एक व्यक्ति को पूरा जिंदगी दे दो उसके लिए, मर मिट जाओ। अगर एक दिन कोई देने में त्रुटि हो जाएगा ना, जिंदगी भर करो। अगर एक दिन में किसको देने में आपको थोड़ी सी त्रुटि हो गया, आपका मुंह नहीं देखेगा, मुंह फेर देगा, आपका मुंह तरफ नहीं देखेगा। वो जिंदगी भर जो उसके लिए आपने किया है वो सोचेगा नहीं, मैया मेरे के लिए जिंदगी भर के लिए किए है, पिताजी मेरे जिंदगी मेरे को पूरा दिए हैं, वो नहीं सोचेगा, वो मुंह लौटा देता है। प्रहलाद ने कहा हे बच्चों, संसार के लिए संपूर्ण जीवन भी दे दोगे तुमको कोई पूछने वाले नहीं, लेकिन भगवान इतने दयालु प्रभु, इतने कृपालु है, प्रभु को अगर थोड़ी सी कोई वस्तु दे दोगे प्रहलाद तुम्हारे पास में कुछ नहीं। अगर केवल तुम मन भी प्रभु को दे दो, अपना मन भी दे दो प्रभु, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम पहले श्रवण कर रहे थे कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्ता प्रयच्छति। अगर कोई भक्ति पूर्वक, हाँ, कहते जो चार चीज उन्होंने नाम लिया जो बिना पैसा में मिलता है, भगवान बोलते हैं अगर मुझे खुश करना चाहते हो बिना पैसा में चीज का देकर खुश कर सकते हो, थोड़ी पत्ती मेरे को दे दो, थोड़ी सी पत्ता दे दो। भगवान ने क्या किया, जब भगवान विदुर को दुर्योधन को पास में गए, कहते बोलते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मैं बात आगे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो भगवान कहाँ गए, दुर्योधन कहाँ मेवा मिश्री छपान भोग दे रहा था, प्रभु देखे ही नहीं। प्रभु कहाँ पहुंच गए, विदुर जी के घर में पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो विदुर थी नहीं, घर थी विदुरानी, हाँ, उस समय विदुर थे नहीं, विदुरानी थी। विदुरानी तो देख करके प्रभु को, हे भगवान मेरे घर में प्रभु आ गए, इनको कैसे खुश करूं, इनको कैसे खुश करूं। कभी कभी बोलते ना घर में केला था वो बाबड़ी बन गई, और प्रभु को केला क्या खिलाएगी, केला तो फेंकते जा रही है, प्रभु को छिलका खिलाते जा रही है, छिलका, और प्रभु वही छिलका खा रहे। इतने में विदुर आ गया, बोले पागली तो क्या कर रहे हो, भगवान हमारा घर में आए और तू प्रभु को केला नहीं खिला कर केले का छिलका खिला रही हो, हाँ, वो तो बाबड़ी होकर खा रही थी, खा रहे थे प्रभु। इतने में विदुरानी की होश आ गया, तो होश तो था ही नहीं, वो तो प्रेम में पगी हुई थी, एकदम विभोर हुई थी, प्रभु आए, हाँ। इतने में जब उसको होश आया, जब उन्हें केला खिलाने लगी, कृष्ण बोल रहे विदुर पहले केले का छिलका में जो आनंद आ रहा था अभी केले में वो आनंद नहीं आ रहा है। विदुर मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही खाता हूँ, मैं केवल प्रेम का ही मैं भूखा हूँ। देखो भगवान विदुरानी केवल साग भाजी खा लिए, और सबरी ने प्रभु को क्या खिलाया, कहते प्रेम का बस होकर झूठा बेर खाए प्रभु, सबरी की झूठा बेर प्रभु खाए, और उनको नव विद्या भक्ति की उन्होंने शिक्षा दी और अपना जन्म स्थान दे दिया। प्रहलाद यहाँ बता रहे, कहते हैं बच्चों भगवान भी स्वयं कहते हैं पत्र पुष्प फल अगर थोड़ी सी भक्ति पूर्वक थोड़ी सी पानी दे दो। अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने सोचा प्रभु को संतुष्ट करना तो कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने शास्त्र में एक श्लोक मिला, जलस्य जलमात्रेण तुलसी चुल्लुकनिवा विकृणित स आत्मन भक्तव भक्तवत्सव, एक श्लोक में लिखा था अगर एक जली एक एक अंजलि पानी उसमें एक तुलसी पत्ता लेकर के अगर प्रभु को आप अर्पण कर दो तो
भगवान इतने ऋणी बन जाते हैं, भगवान खुजलाने लगते हैं। हम सिर कब खुजलाते हैं? जब ज्यादा चिंता हो जाए ना तो हम सिर खुजलाते हैं, चिंता करते हैं। भगवान इतने में संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रहलाद कह रहे हैं बच्चों भगवान को संतुष्ट करना बड़ी भारी बात नहीं, भगवान को बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु के तरफ में एक कदम बढ़ाओ, प्रभु 100 कदम बढ़ाते हैं। हाँ, सुदामा ने क्या लेकर, भगवान खुद दिया, प्रभु उसको राजमहल बना दिया। इसलिए प्रहलाद कहते हैं बच्चों ये संसार के लिए मर जाओगे तुम लोग, लेकिन ये संसार तुम्हारा ऋण नहीं चुकाएगा, बल्कि बेईमानी करेंगे, लेकिन तुम प्रभु के लिए थोड़ी सी करो, प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे बच्चों, कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है वो 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। 5 साल भी कले प्रहलाद 5 साल से क्यों करेंगे? तो उन्होंने बोले प्रहलाद बच्चों दुर्लभम, ये मानव जन्म तो दुर्लभ है, तदभी अध्रुवम, तुम नहीं बता सकते हो 50 साल तक जिंदा रहोगे। कोई बता सकते हैं कल क्या होगा? अभी कोई ये आया था ना, बोले ये कुछ दिन बाद में ये हलन डूब जाएगी, क्योंकि बर्फ पिघल रही, फिर बर्फ पिघल रहा है, पिघल करके हाँ कितने 112 में, अभी 2 साल बाद में ये डूब जाओ, मर जाओगे फिर। इसलिए कोई नहीं बता सकते हैं कल क्या होगा हमारा, कोई बता सकते हैं कल हमारा क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे? बता सकते हो? रास्ता में गाड़ी में जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गई, बस राम नाम सत्य है तुम्हारी, आप सुनते हो ना, कहीं सुनामी आ गया, नहीं तो कहीं भूचाल हो गया, भूकंप हो गया, सबके सब नीचे चले गए। इसलिए प्रहलाद ने बताया बच्चों निश्वास नैव विश्वास, कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए अगर ये मानव जन्म एक बार नष्ट हो जाता है समझो, और ये जीवन भगवान 2 बार देते ही नहीं, कभी नहीं देते हैं, बड़े भाग्य से। इसलिए कृष्णा एकादश स्कंध में बताया ये मानव जन्म दुर्लभ नहीं, भगवान बोले दुर्लभ नहीं, कहते सुदुर्लभ, मतलब जो जीवन नहीं मिलता है मरने के बाद। भगवान हमें केवल एक ही प्रश्न करें, बोले कितना भजन किया है, भगवान ये नहीं बताएंगे कहां शादी किए हो, कितने बच्चे तुमने जन्म दिया, कैसे घर बनाए, भगवान पास में इस कोई प्रश्न नहीं। भगवान केवल एक ही प्रश्न करेंगे, तुमने जो वायदा करके गया था गर्भ से, जो भगवान से जो बोल करके आया था भजन करने के लिए, कितना भजन किया, कितना हरिनाम किया तुमने, भगवान केवल जब महाराज भी एक ही प्रश्न करेंगे कितना तुमने भजन किया है, उनके पास में और कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए पायो जी क्या पाया है, पाया मतलब मिला, हमें क्या मिला है कि जितना भजन किया उतना मिलेगा, और कुछ मिलने वाले नहीं, यहाँ का सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर तो प्रहलाद ने कहे है बच्चों केवल ये संसार संसार में मत डूबो, केवल पैसा कमाना खाना पीना में इसमें मत मस्त रहो। बोले क्यों? कहते कोई संसार में दुख चाहते हो, कोई जगत में दुख चाह रहे हैं, कोई कोई दुख को घर में बुलाते हो कहीं? नहीं बुलाते, लेकिन दुख को नहीं बुलाते क्यों? दुख क्यों आता है? दुख तो कोई नहीं चाहते, कोई चाहते हमारे घर में ऐसे हो जाए? नहीं, तो दुख क्यों आता है नहीं बुलाने पर? जैसे दुख नहीं बुलाने पर दुख अपने आप आता है, अगर हमारा भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो जरूर आएगा, क्योंकि जो कर्म किया उसको फल मिलेगा। इसलिए अगर दिन भर संसार संसार पैसा कमाओ खाओ पियो बस प्रभु का भजन छोड़ छोड़ करके, कत नहीं, ये कोई बुद्धिमान का काम नहीं। इसलिए भाग्य में जो लिखा हुआ वो होगा ही। इसलिए हमारे भारत में एक संत थे जिसका नाम था मलुक, वो पहले नास्तिक, वो नास्तिक था। एक समय एक संत ने कहा देखो मलुक थोड़ा भजन करो, भाग्य में जो लिखा हुआ मिलता है, इसलिए तुम प्रभु का भजन करो। वो बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। उसने ये समझाया देखो भाग्य में जो है नहीं चाहने पर भी अपने आप आएगा। तो उसने कहा अगर मैं पेड़ के ऊपर बैठ जाऊं, अगर मेरे मुंह में अपने आप खाना आ जाएगा।
कहा अगर तेरे भाग्य में लिखा होगा ना, भले तू पेड़ के ऊपर में क्यों नहीं बैठे, तेरे मुंह में अपने आप आएगा। कभी मेरे विश्वास नहीं करता हूँ, कभी विश्वास नहीं करने पर क्या होगा, हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं परीक्षा करता हूँ। उसने क्या किया, एक नदी था, नदी को पास में एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर में चढ़कर बैठ गया। कब मैं देखता हूँ मैं नहीं खाने पर अपने आप मुंह में कैसे खाना आ जाता है। इतने में क्या हुआ, एक सेठ और एक सेठानी, दोनों पैसा वाला पति पत्नी, उन्होंने बढ़िया एकदम प्योर घी के पूरी और हलवा और बढ़िया सब्जी उन्होंने बना करके लाए। सोचा हम नदी में स्नान करके भोजन करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस पेड़ के ऊपर में चढ़ कर बैठा था ना, उनको तो कुछ पता नहीं, उन्होंने उसी खाने को उस पेड़ में लटका दिया। लटका करके उन्होंने स्नान किया, लेकिन किसी जल्दीबाजी से भूल गए और वो खाना छोड़कर चले गए। इतने में वो जंगल में कुछ चोर रहते थे, वो चोर ने घूमते घामते एक चोर ने कहा भैया पेट में बड़े भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का मिल जाता तो अच्छा रहता। इतने में देखा वो प्योर घी की जो पूरी और सब्जी हलवा था उसकी बड़ी सुगंध आ रहा था, खुशबू आ रहा था, सुगंध। बोले अरे यहाँ पर पूरी सब्जी की सुगंध कहाँ से आ रहा है, देखो तो। देखते देखते देखा वो पेड़ में वो लटक रहा है पूरी सब्जी और हलवा। कहता अरे ये पूरी सब्जी हलवा बढ़िया, उसको उतारा, भूख लग रहा है। जब खाने के लिए बैठा ना, दूसरे ने कहा बोले सावधान खाना नहीं। बोले क्यों, कर यहाँ पर तेरे लिए पूरी सब्जी हलवा कौन रखेगा, लगता है किसी बदमाश ने, हम लोग ये जंगल में रहते हैं, हमको मरवाने के लिए यहाँ पर इसमें जहर मिला करके पूरी सब्जी हलवा रख कर गया हमको खिला कर मारने के लिए, तेरे लिए नहीं तो कौन रखेगा। देखो जरूर ये आस पास में कोई व्यक्ति छुप करके बैठ रहा है और हमको खिलाने के लिए। तब इन्हें देखने लगे, देखते देखते देखा वो पेड़ के ऊपर में सचमुच से वो आदमी बैठा हुआ है। बोला अरे यही बदमाश है हमको मरवाने के लिए पेड़ के ऊपर बैठा है। बोला उतर पेड़ उतर जल्दी, हमको मरवाने के लिए जहर मिलाकर यहाँ बैठा हुआ और तेरे को अभी मरवाते हैं। वो उतर नहीं रहा था, गए जोर जबरदस्त कान पकड़ करके उतारे। बोले इसको खा इसको खा, हमको मरवाने के लिए जहर मिलाया था। वो खा नहीं रहा था, मार मार करके, वो दो आदमी को खाना था हाँ, उसको मार मार करके मुंह में ठोस ठोस करके दो आदमी का खाना एक आदमी को खिलाया हाँ। बोले तू मर, हम जा रहे हैं, हमको मरवाने के लिए बैठा था, उसको खिला कर चले गए। अभी वो आदमी सोच रहे, कहते हे भगवान बात सही है, कहते दाने दाने में खाने वाला का नाम लिखा हुआ होता है, तो है ना हिंदी में दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है। मैंने भगवान को विश्वास नहीं किया, अगर पेड़ के ऊपर बैठे रहूंगा तो कोई खिलाएगा, देखो दो आदमी का खाना मेरे को खिलाए मार मार कर मार मार खाना बड़ा। इसलिए तब वो बड़ा नास्तिक था, उसको बाद में इतना बड़ा वो भक्त बन गया, इतना बड़ा प्रभु को विश्वास उसको हो गया। कहते बात सही है, प्रभु किसको भूखा नहीं रखते। तब उन्होंने एक भजन लिखा है, उनका भजन है कहते अजगर ना करे चाकरी पक्षी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करता है, अजगर तो केवल एक जगह में सोता हुआ रहता है। पक्षी करे ना काम, पक्षी कोई काम नहीं करता है, कोई काम करता है, घूमता है दाना अपने आप उसे मिल जाता है। अजगर एक जगह में पड़ा रहता है, लेकिन देने वाले कौन है, सबके दाता राम, सबके देने वाले प्रभु। विश्वास हो गया, ये भजन उन्होंने लिखा, उसको बाद में परम भक्त उसने बन गया। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को यही समझाए, हे बच्चों भाग्य में जो लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए कोशिश करो ये जन्म नष्ट होने पर। प्रभु का भजन किसी जीवन में नहीं होता है, इसलिए इस जीवन में प्रभु का भजन करने के लिए कोशिश करो। और भी उन्होंने संसार की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, कभी संसार बड़े मायामय संसार है, एक बार जीव अगर फंस जाए तो निकलना बहुत कठिन, ये संसार बड़े माया है हाँ, इसलिए इसमें फंसने पर निकलना बहुत कठिन है। लेकिन भक्तों लोगों के लिए कोई डर नहीं, संसार तो मायामय है ये, पूरा के पूरा अगर पत्नी भी भजन करे, बच्चे भी भजन करे, पिता भी भजन करे, घर में ठाकुर है, ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे, फिर तो बंधन नहीं हाँ? लेकिन अगर केवल प्रभु का भक्ति छोड़ करके दिन भर केवल खाने पीने सोने में लग गए, फिर तो जीव को
कर्म बंधन में जीव डाल देता है, माया में डाल देता है। इसलिए जीवन में भजन करने चाहिए। इस उपदेश को सुन करके जितने सारे राक्षस बचे थे सबके सब परिवर्तन हो गए और सबके सब प्रभु का भजन में लग गए। इसलिए हम लोगों को भी भगवत विश्वास करके हो भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 10 मिनट ज्यादा कर दिया। इसलिए कल कहाँ प्रोग्राम है? कल हमारा प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम है। मेरे लिए लास्ट प्रोग्राम है। तथा दामोदर महाराज आ रहे हैं, हाँ वो भी कथा करेंगे। इसलिए कल हमारा लास्ट दिन, परसों मैं फिर बाहर चले जाऊंगा। हाँ हरे कृष्ण। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कीर्तन करते हैं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई Yeah.